करनाल में सीटू के लाल झंडे के नीचे अलग अलग कर्मचारी संगठन के ने ललकार रैली को आयोजित किया है और ललकार रैली में प्रदेश की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ग्रामीण चौकीदार और वन विभाग के कर्मचारियों सहित अन्य जो विभाग है उन विभागों के कर्मचारी और मजदूर संघ के सदस्य इसमें शामिल हुए। संगठन के नेताओं ने यह बताया है कि हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारियों की मांग लंबित पड़ी हुई है। इनमें मुख्य रूप से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, नियम वेतन 26,000 लागू करने सहित 16 मांग रखी हुई है। आशा वर्करों ने भी ललकार रैली में लोकसभा घेराव की चेतावनी दी है। आगामी 30 अक्टूबर को देश भर की आशा वर्कर दिल्ली में लोकसभा कूच करेंगी। आशा के बल पर वाई वाई लूटो कर मानदे के नाम पर उनको सिर्फ 4,000 रुपए देंगे, कट्टर सरकार ये नहीं चलेगा। अगर हम 24 घंटे काम करता है कोई मजदूर, 8 घंटे की मजदूरी उसको 500 रुपए मिलते हैं और आशा वर्कर को एक मंथ का मानदेय 4,000 रुपए दिया जाता है और उसको भी हरियाणा की सरकार ये कहती है कि पूरे देश में पहले नंबर पर है। अगर 4,000 रुपए मानदेय सबसे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 4,000 रुपए बहुत ज्यादा है हरियाणा सरकार सबसे, तो उसके लिए भी शर्म की बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक परिवार को चलाने के लिए सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया 26,000 रुपए। अगर 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। सरकार हमें कोई बात नहीं मानती है, हमें जो हमारे यूनियन के प्रधान उनको किसी को भी नहीं बुला रही है, हमारी अनसुनी बात कर रही है सरकार को। हम ये बताना चाह रहे हैं समय रहते या तो हमारी सूद ले ले वरना उसको सूद में नहीं आने देंगे। ये सरकार दो मुहाड़ी सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो क्यों पढ़ाएंगे फिर रोड़ों में बैठाने के लिए? हम सारे जो सड़कों में बैठे किसी की बेटी नहीं है। ये सरकार दावे करती है बड़े बड़े महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी मांग ये है जो हमारी 60 साल की रिटायरमेंट की मतलब उम्र की गई है 65 साल की जाए और जो बेनिफिट मिलता है रिटायरमेंट को हमें। आज ये पूरे हरियाणा के मजदूर और खेती और मजदूर इधर इकट्ठा हुआ है और जब यहाँ पे आशाओं का जो हड़ताल चल रहे पिछले 2 महीने से उसका सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रहे, उसका वो उसका भी भारी रोष है। इसलिए भारी संख्या में जो आशा वर्कर भी आए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर भी है, मिड डे मील वर्कर भी है और साथ में बाकी तबके का जो इंडस्ट्रियल वर्कर समेत जो मजदूर भी आए हैं और ललकार रैली का नाम इधर भी आया दिया है ताकि क्योंकि जो पूरे हरियाणा का सरकार जो जनता की बात करते हैं और डबल इंजन का नाम भी लेते हैं वो मजदूरों का